मेरा नाम है आदि और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कुछ टाइम से मुझे कोविड हो गया था, तो उस टाइम मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो फाइनली अब मैं थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका हूँ। सो अब मेरे वीडियोस बनाना, रेगुलर वीडियोस आएंगी। और मैं जो आज रोल प्ले करने वाला हूँ वो सिर्फ एक मजाक के लिए होगा, तो इस वीडियो को थोड़ा मजाक में लेना, सीरियस मत लेना यार। तो शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार जी, कहिए कैसा ना हुआ। अच्छा, शादी नहीं हो रही बेटा। वो शादी की दिक्कत के लिए तुम्हारी कुंडली में दोष नहीं होगा, तुम्हारी शक्ल में दोष है। मर्द फेरन हैंडसम है, जो कि लोगों को बहुत ही सारा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम मैन बनाती है। तो आप ही मुझसे क्रीम ले जाइए, और इस क्रीम के थ्रू हो सकता है आप बहुत सारा गोरे हो जाओ और आपके पास बहुत सारी लड़की आ जाए जी। अच्छा, शादी निकालनी है जी। बिल्कुल, हम शादी भी निकालते हैं, हम मैयत भी निकालते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए हमें ही बुलाया जाता है जी। जी बिल्कुल जी, हमारा नाम है किशु पंडित, नॉट किशु, मतलब किशोरी लाल सिंह, बट लोग प्यार से किशु किशु बुलाते हैं, तो अब किशु पंडित ही नाम रख दिया है लोगों ने। अब लोगों का क्या क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके, पहले आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, 1970 जी। अच्छा, शादी नहीं हो रही। अच्छा, बेटा जिस तरह से तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, तुम्हारी तो इस जन्म क्या अगले 7 जन्म भी शादी नहीं होने वाली। अच्छा, दिखाइए हाथ, दिखाइए अपना। अच्छा, इसमें तो लिखा है बेटा कि तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी 3-3 शादियां होने वाली हैं जी, 3-3। पर दिक्कत यह है कि तीनों शादियाँ लड़कों से होंगी। अब क्या करें, अब तुम्हारे हाथ पे ही लिखा है ये सब, तो हम क्या कर सकते हैं जी। और इसमें ये भी लिखा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बंदियाँ लेके जाएंगे जी, लिखा हुआ है इसके अंदर। तुम्हारे हाथ बोल रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेकर चले जाएंगे, तो गर्लफ्रेंड मत बनना बेटा, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें धोखा दे दें, उनके बाद तुम उनके ऊपर जादू टोना कराते फिर हमसे जी। हम वो भी करते हैं, हम बहुत सारे जादू टोना करते ही रहते हैं, और टुक टुक ओम क्लीम क्लाम क्लोम क्लोम चामुंडा विच जय नमः जी। जी जी जी, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप चाहो तो हम कर सकते हैं जी। पहले आप एक काम करिए, आप भगवान के घर में आए हैं, तो एक बार ये टीका लगा लीजिए जी। अब ठीक है, वैसे बेटा टीके के हुए 350 रुपये, और जो हमने आपकी राशि और ये जितनी भी चीज़ें बताई इसके हुए 450 रुपये। हम एक पैसा फालतू नहीं लेते, सब भगवान के देना, कोई पैसा फालतू नहीं लेना हमको, आखिर जाना भी तो ऊपर वाले के पास है हमें, तो हम ये फालतू के पैसे क्यों लें जी। चलिए आप मुझे अपनी एक बार कुंडली दे दीजिए जी। अच्छा, ये कुंडली है जी आपकी जी। जी, बचपन में बहुत मार खाए हो बच्चों से, नहीं इसमें लिखा है आपको 3-3 लड़कों ने बहुत मारा है जी, लेटा कर। अच्छा जी जी, सही कहा मैंने। और वैसे लड़की जात तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, ये तो तुम्हारी कुंडली कह रही है कि लड़की जात तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है।
कोई बात नहीं, 501 का प्रसाद चढ़ा दो यहाँ पर और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और लड़कियों की तो बारिश हो जाएगी। बारिश जी, सिर्फ 501 रुपये लूँगा मैं, उतने में इतना अच्छा हवन कर दूंगा ना ऐसे खेलोगे लड़कियों में। गर्लफ्रेंड है, सुबह शाम कॉल आएंगी लड़कियों की। जी हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के दैविक तंत्र मंत्र हैं जिससे तुम किसी भी लड़की को काबू कर सकते हो, किसी भी लड़की को अपने अंदर वश में कर सकते हो और बहुत कुछ। जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों ने तुम्हारा काटा है, मतलब लूट वूट के चली गई हैं तुमको, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा कर। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखो, राहु केतु के साथ मंगल में है और मंगल जो है वो बृहस्पति के साथ है। जी हाँ, कुछ नहीं है वो तो बेटा, ये तो हवन करने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। वैसे तो मैं और लोगों से तो 1100 रुपये लेता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे 501 रुपये में तुम्हारा ये सब काम कर सकता हूँ। पैसा पैसा नहीं लेता जी मैं एक भी, बस वही है कि तुम्हारे रास्ते खोल दूंगा मैं, और वो 501 रुपये जो हैं वो मैं भगवान के नाम पे उनको प्रसाद चढ़ा दूंगा जिससे तुम्हारी सारी बलाएं टल जाएंगी। ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा प्रसाद के रूप में भगवान को चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए। अच्छा, और तो बहुत कुछ लिखा बेटा तुम्हारी कुंडली में। जी। अच्छा, एक बार तुम नाले में भी गिर गए थे। अच्छा, गिरे हो ना, मतलब हाँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है ना, मतलब जी है तो सही। वैसे एक बार चीख बाहर निकालो। कॉलगेट नहीं करते हो ना जी? अरे आप डॉक्टर, क्या क्या डॉक्टर का मतलब थोड़ी बहुत तो नॉलेज है डॉक्टर की भी, अब सर्टिफिकेट तो इसका भी है और उसका भी है, दोनों का है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर का भी इलाज कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, आप पहले पंडित का ही ले लो। चलो अब मैं कुछ प्रसाद प्रसाद ले लो, भगवान जी का प्रसाद तो लेके ही जाना चाहिए मंदिर से। ये लो। ऐसा वैसा मैं नहीं लेता बेटा, पर भगवान को तो चढ़ाना पड़ता है ना, तो चढ़ावे के रूप में तुम मुझे दे दो और मैं उन्हें भगवान के पास जाके चढ़ा दूंगा, तुम्हारे सारे कलेश दूर हो जाएंगे बेटा। लड़कियां ही लड़कियां होंगी तुम्हारे पास, दिन रात लड़कियों के चक्कर लगेंगे तुम्हारे आसपास, सोच लो खुद बेटा। कम हम नहीं बेटा, आप देखो तुम जानते हो, ये तो भगवान के घर पे तुम जानते ही हो, आप पैसे वैसे इतना कम नहीं करने चाहिए। वैसे भगवान नाराज हो गए तो क्या पता तुम्हारे जो भी तुम फेसबुक पे बात करते हो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए, तुम्हारी आईडी बैन हो जाए, है ना? तो ये पैसों वैसों का कहीं लालच वालच नहीं करना चाहिए बेटा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये पैसा तो एक तरह से दान करो, जितना दान करोगे बेटा उतना मिलेगा। मैं पैसे नहीं मांग रहा बेटा, वो तो बस भगवान के लिए बोल रहा हूँ। जी, पेटीएम, हाँ पेटीएम भी कर लेते हैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। देखिए 9944662211 99। इसी पे बेटा 1700 रुपये डाल देना, बस
तुम्हारे सारे कलेश दूर हो जाएंगे बेटा तुम्हारे, तुम्हें कभी किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं आएगी। भगवान हमेशा तुम पे मेहर रखेगा, तुम पे मेहरबान रहेगा। पहले ही झाड़ा लगवा लो। हाँ, अब 350 रुपये इसकी तो ले ही चुका हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, झाड़ा लगवा लो। ओम क्लीम क्लाम क्लोम क्लोम क्लम क्लम चामुंडाई विच्छे नमः। चलो बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आना बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगली बार फिर से आना बेटा। राधे 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 राधे। चलो चलो, एक तो बकरा मिल गया, कुछ तो कमाई हुई उससे, लगा नहीं था पैसे देगा पर दे ही दिया।